किसान विरोधी बिल को लेकर भारत बंद के आह्वान पर डेयरी संचालक संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को किया गया नजरबंद। सहारनपुर में आज किसानों कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर भारत बंद को लेकर समर्थन देने जा रहे डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया सहित डेयरी संचालक संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को सहारनपुर के न्यू शारदा नगर के आवास पर नजरबंद किया गया, जिसमें डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के द्वारा बताया कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश जारी किए गए हैं वह किसान विरोधी हैं, अतः हम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि इन काले कानून को वापस लिया जाए और किसानों के हित में सही निर्णय लिया जाए। हम सभी डेयरी संचालक संघर्ष समिति आपसे अनुरोध करते हैं कि किसानों के हित में नया कानून बनाया जाए जिससे किसानों का भविष्य सुधर सके। प्रदर्शन में डेयरी संचालक संघर्ष समिति अध्यक्ष संजय वालिया, बबलू कश्यप, मोनू चौधरी, पप्पू राजेश कुमार, राजेश शर्मा, आदेश त्यागी, कुलदीप चौधरी, अंकित इनाम, मोहम्मद रिशाद आदि मौजूद रहे। साथियों, हमारे देश की सरकार के द्वारा किसानों के हितों को अनदेखा कर एक ऐसा कानून पारित किया गया जहां आम किसान अपने आप में जीते जी मरने का काम हो गया। जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश को चलाने का काम करता है, हमारे जीवन को संचारित करने का काम करता है किसान, आज हमारी सरकार उसी के ऊपर कुठाराघात करके उसकी जो आमदनी है उसे खत्म करने का काम कर रही है। कल हमने एक प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में देखा, इसी मुद्दे को लेकर भारतीय ने वहां प्रोटेस्ट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उन लोगों के मान सम्मान में खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था करने का काम किया। और भारत में ही भारत के किसानों को पानी की बौछारें मारी जा रही हैं, आंसू की गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज की जा रही है। हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि जो अपना अहंकार है उसे छोड़कर आज आप किसानों के हित की बात करो, इस देश के अन्नदाता के हित की बात करो, और जो ये काला कानून वापिस लिया है, ये काला कानून आपने बनाया है, इसे वापिस लेने का काम करो और किसानों से मिल बैठकर आम सहमति से एक ऐसा कानून लाओ जिसमें किसान परिवार खुश हो सके, और जब किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। जय जवान, जय किसान।